तो मेरा सेकंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था सुकेम का यूपीएस रिपेयर करने वाले थे, उसमें ड्राइव में कितना आता है कितना ज़्यादा है उसको चेक करने के लिए। तभी मेरा यूपीएस ऑफ है, तो पहले आप कभी भी यूपीएस जब ऑन करेंगे पहले स्टार्टिंग में ही बैटरी एम से भी मत उठाइए, पहले इनपुट का चार्जिंग उठाइए, ठीक है ना। जैसे ही उठाया पावर आ गया हमारा, बैटरी एम से भी अभी भी डाउन है, ठीक है ना। बैटरी एम से भी अभी भी डाउन है, यूपीएस नॉट वर्किंग में है। क्यों मैंने मना किया कि पहले आपका नहीं उठाने के लिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप डायरेक्टली बैटरी एम सी बी को उठा देंगे तो कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज रहेगा, तो बहुत बैटरी से पावर खींचेगा, आपका एम सी बी ख़राब भी हो सकती है, इसके लिए मैंने मना किया, ठीक है ना। अभी आप जैसी बैटरी के एम सी बी उठाएंगे कोई स्पार्क नहीं आएगा, नॉर्मली एक बीप साउंड दे के स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कि कितना बोल्ट ट्रांसफार्मर से निकल रहा है और कितना बोल्ट क्या हो रहा है, ड्राई बोल्ट कितना निकल रहा है। मैंने आपको बोला था एसएमपीएस 15 वोल्ट देता है, ठीक है ना। तो आप देखते रहिए ये 15 वोल्ट, देखिए मैंने बोला था इधर 15 वोल्ट देगा, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। इधर इनपुट में आपको 15 आएगा, देखिए मैंने इधर लगाया इनपुट का, सॉरी मेरा मीटर इधर एसी में है, उससे पहले डीसी में करना पड़ेगा। हम देखेंगे इसका, देखिए 15 वोल्ट इनपुट हो रहा है, ठीक है ना। एसएमपीएस से 15 वोल्ट आ रहा है, इधर भी आपको 15 ही मिलेगा, ठीक है ना, 15 वोल्ट। अभी जो दूसरा कार्ड है, दूसरा कार्ड में भी 15 वोल्ट ही आपको मिलेगा, सेम 15 वोल्ट प्लस माइनस 15 वोल्ट प्लस माइनस 15 वोल्ट प्लस माइनस 15 वोल्ट प्लस माइनस, जो एसएमपीएस का इनपुट ड्राइवर कार्ड में आता है, ठीक है ना। अभी हमने देखा था लास्ट टाइम कि ये कंट्रोल कार्ड से आता है ये चार वायर, ठीक है ना, गेट कैथोड के लिए। तो देखते हैं इसमें भी कितना वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। मीटर मेरा अभी डीसी में है, ये मेरा कंट्रोल कार्ड से आया है, ये कंट्रोल कार्ड से चार वायर कंट्रोल कार्ड से आया है, ठीक है ना। आपका डाउट है तो आप फेरुलिंग नंबर भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कौन सा किधर से आया, फेरुलिंग नंबर सेम टू सेम होगा इधर और इधर का, ठीक है ना। अभी कंट्रोल कार्ड से आ रहा है, अभी मैं देखता हूँ कि कितना वोल्ट आ रहा है कंट्रोल कार्ड से। अभी मैं एक लगाया और एक लगाऊंगा, तभी बैटरी फुल चार्ज है। मेरा कंट्रोल कार्ड से एक 2.5 वोल्ट आ रहा है कंट्रोल कार्ड से, पहला वाला ये वाला जो इसके लिए है, ठीक है। अभी मैं इसको उठा लूँगा, उठा के देखूँगा दूसरा में कितना आ रहा है मुझे, ठीक है ना। तो दूसरा में मेरा 14 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। दो IGBT होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो एक के लिए आपको 2 वोल्ट आ रहा है, एक के लिए 14 वोल्ट आ रहा है ये एक ड्राइविंग कार्ड में, ठीक है ना। अब देखते हैं वो कितना करके देता है इनपुट के, तो हमको इतना मिला कंट्रोलर से, फिर देखते हैं IGBT का जो आउटपुट है उसमें कितना मिल रहा है। इस ये वाला में को 2.5 वोल्ट मिल रहा है, तो ये वाला में देखते हैं कितना आपको, ये वाला जो है उसको 14 वोल्ट मिल रहा है, इसमें देखते हैं कितना मिलता है हमको आउटपुट में। तो हम आउटपुट के लिए पॉजिटिव वायर को इधर ही लगा देते हैं येलो में, नेगेटिव वायर को हम ड्राइवर का इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमको 1.10 वोल्ट मिल रहा है, 2.5 वोल्ट मिल रहा था उसमें से 10 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। सॉरी जो एक 4 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है ना, 4 मेरा इधर लूज कनेक्शन था इसके लिए 4 वोल्ट मिल रहा है, 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट वेरिएशन होता है, ठीक है ना। 9 वोल्ट मिल रहा है अब, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं 2 वोल्ट से इतना आ रहा है, सेकंड वाले पे देखते हैं कितना आता है। नेगेटिव मीटर से ले लिए, 15 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना, 15 वोल्ट आ रहा है। इसमें जो 14 वोल्ट मिल रहा था उसे 15 वोल्ट बूस्ट कर रहा है। तो हमने ये देखा, इधर से जो हमको 2.5 वोल्ट मिल रहा था IGBT में 10 वोल्ट 9 वोल्ट के करीब जा रहा था, इधर से जो 14 वोल्ट मिल रहा था ये 15 वोल्ट मिल रहा था, ठीक है ना। डिफरेंस इतना ही है कि ज़्यादा एम्पीयर देता है,
कंट्रोलर में इतना एम्पियर नहीं मिलता डायरेक्ट कंट्रोलर से अगर करेगा, इसके लिए ये ड्राइवर सर्किट की मदद से ज़्यादा एम्पलीफाइंग करके देते हैं ज़्यादा एम्पियर, क्योंकि IGBT को ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे, अभी तो ये चार्जिंग में दिख रहा था, चार्जिंग फुल था, अभी देखेंगे अगर मैं पावर बंद कर दिया तो कितना आता है, ठीक है। तो चलिए देखते, पावर बंद कर दिया तो कितना आता है। अभी पावर बंद कर दिया इधर, ठीक है ना, ये इधर UPS ऑन किया, अब मैं देखता हूँ कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं पहले कंट्रोल कार्ड से देखूँगा कितना आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है, पहले 2.5 वोल्ट आ रहा था चार्जिंग में, अभी 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। इसमें 11 वोल्ट आ रहा है, जिसमें पहले 14 वोल्ट आ रहा था, और इसमें देखेंगे कितना आ रहा है। तो ड्राइवर का आउटपुट है इसमें, जिसमें 10 वोल्ट आ रहा था उसमें 6 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। 10 वोल्ट जिसमें आ रहा था, ये वाले में 10 वोल्ट आ रहा था ना, ये वाले साइड पे, इसमें अभी 6 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना, 6 वोल्ट आ रहा है। और ये वाली साइड में कितना आ रहा है ये भी देखते हैं, 8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 8 वोल्ट आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें कितना वोल्ट कितने में आना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं इधर कितना वोल्ट दिख रहा है, IGBT को तो इधर मिल गए ना, अभी देखते हैं इधर आउटपुट में कितना हमको IGBT दे रहा है, उसके लिए हम देखते हैं कितना वोल्ट दे रहा है। नेगेटिव के तो हम नेगेटिव इधर ही रखने देंगे, नेगेटिव को ऑयल पकड़ने को नहीं हो रहा है, मैं इधर रुकता हूँ। चेक कीजिए मीटर पे, मैं नेगेटिव को नेगेटिव में रख रहा हूँ और पॉजिटिव को AC में करता हूँ मीटर को, क्योंकि AC वोल्टेज हो रहा है IGBT के बाहर, ठीक है ना। तो एक 17 वोल्ट दे रहा है, 17 वोल्ट AC दे रहा है, दोनों तरफ 17 वोल्ट दे रहा है, ठीक है ना। लोड अभी कम है बोल के 17 वोल्ट दे रहा है, जैसे ही लोड ज़्यादा होता जाएगा ये वोल्टेज बढ़ा देगा, ठीक है ना, 26 वोल्ट तक जाएगा ये लोड, जैसे ही ज़्यादा होगा ये वोल्टेज भी बढ़ा देगा, ठीक है ना। अभी 17 वोल्ट है, 22 वोल्ट 24 वोल्ट तक जाएगा ये लोड, जैसे ही ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं हमारा चार्जिंग में कितना आता है। तो मैं इस पावर को ऑन करता हूँ, उधर इधर से देखते हैं कितना आ रहा है। मेरा अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ट्रांसफ़र होते रिले का एक कट साउंड आएगा पूरा, ठीक है ना, रिले का कट साउंड आएगा तो ही वो ट्रांसफ़र हुआ, कट साउंड आ गया आपको। अब देखते हैं ये ट्रांसफर मार का आउटपुट में कितना दे रहा है हमको, 10 मिनट का आउटपुट हमको 23 वोल्ट दे रहा है, मैक्सिमम 26 वोल्ट देगा वो, ठीक है, लिखा है 0 26 वोल्ट, ठीक है, मैक्सिमम आपको 26 वोल्ट देगा, ठीक है। उधर 23 वोल्ट दे रहा है, चार्जिंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम तो बैटरी तो हमको 48 वोल्ट का है, तो कैसे मिलता है हमको। और उसके लिए आपको पहले जो साइन वेव का चार्जिंग सेक्शन के बारे में जानना होगा, तो मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ। ये 23 वोल्ट जितना ही जाए इधर से IGBT में जाता है, IGBT से इधर ड्राइविंग कर से स्विचिंग होता है। अब अगर बक बूस्ट कन्वर्टर के बारे में मालूम है तो सेम उसी तरीके से काम करता है, उसको स्विचिंग करके एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर देता है वोल्ट एम्पियर वोल्टेज का, ठीक है ना। नहीं तो एम्पियर तो बहुत मिल रहा है, ठीक है ना, तो एम्पियर को कम कर देता है थोड़ा और वोल्टेज को जितना रिक्वायरमेंट है उतना देता है। 26 वोल्ट इधर से बनता है, लेकिन इधर जाते जाते 48 वोल्ट 54 वोल्ट तक चला जाता है, 56 वोल्ट तक। वो कैसे होता है, हमको तो 26 वोल्ट मिल रहा है, तो इधर स्विचिंग होता है। तो आपको अगर स्विचिंग के बारे में मालूम नहीं है, ब्रिज के बारे में, ठीक है ना, साइन वेव इन्वर्टर कैसे चार्जिंग करता है, साइन वेव आप सिंगल बैटरी में भी जाएंगे तो वो 7 वोल्ट 6 वोल्ट देगा, लेकिन हमको तो 12 वोल्ट रिक्वायरमेंट है चार्जिंग के लिए,
लेकिन हमको तो 13 वोल्ट 14 वोल्ट तो जाता है बूस्ट में, कैसे होता है आपको अगर मालूम नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस वीडियो भी बना लूँगा, तो चेक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को थोड़ा शेयर भी कीजिए भाई, ये जानकारी वाला वीडियो है तो आपको मालूम चल गया कितने में कितना आ रहा है। अभी फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। देख लीजिए ये हमारा बोर्ड का ओवरव्यू है, ड्राइव कार्ड है ठीक है ना, एक IGBT में दो, एक IGBT मॉड्यूल में दो IGBT सेक्शन रहता है, तो ये दोनों का दो ड्राइविंग कार्ड है ठीक है ना, एक ड्राइव कार्ड में दो ड्राइव है कैथोड के लिए गेट के लिए ठीक है ना, एक साइड कैथोड एक साइड गेट के लिए। ये ज़्यादा एम्पलीफाई करता है, कंट्रोल कार्ड से जितना आता है उतना कोई सफिशियंट नहीं है उसको चलाने के लिए, इसलिए इसको हाई एम्पलीफाइंग करता है करके उसको ज़्यादा करंट रिक्वायरमेंट है ज़्यादा करके देता है। ये SMPS कार्ड है ठीक है ना, अगर किसी को जो पावर पहुँचाना है ये पहुँचाता है इस कंट्रोल बोर्ड को, IGBT ड्राइवर को ठीक है ना, जितना भी वोल्टेज चाहिए ना, रिक्वायरमेंट चाहिए ना, किसी को 15 वोल्ट 6 वोल्ट 9 वोल्ट जो भी चाहिए करता ना, तो वो सर से ड्राइव करके ड्राइवर को वोल्टेज पहुँचाता है, कंट्रोल का ड्राइव पहुँचाता है। जबकि सेंसिंग ट्रांसफार्मर है, आउटपुट का इनपुट का सेंस भी करेगा ना कि भाई हाई वोल्टेज होगा या कि लो वोल्टेज होगा, या वोल्टेज हमारा बराबर जा रहा है कि नहीं, पकड़ लीजिए हाई वोल्टेज हो गए तो कैसे मालूम चलेगा। तो ये देखिए 18, इधर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं आ रहा इधर क्लियर से, हाँ देखिए ये इधर लिखा है RT ठीक है ना, RT के बाद में 18.50 - 18.5 टैपिंग, फिर बाद में 18.5 वोल्ट ठीक है ना, टोटल निकलेगा। सेम ट्रांसफार्मर यही है ठीक है ना, तो उसको सेट करके रखा है, अगर इनपुट पे पकड़ लीजिए कि अगर 230 वोल्ट आएगा, 220 वोल्ट होगा तो 18.5 देगा ठीक है ना, अगर 250 वोल्ट आएगा तो ज़्यादा वोल्टेज देगा वो ठीक है ना, तो कंट्रोलर को मालूम चल जाएगा कि वोल्टेज मेरा ज़्यादा आ गया भाई कट कर उसको ठीक है, तो उसको कट कर देगा। पकड़ लीजिए कंट्रोलर को सेट करके रखा 19 वोल्ट पे कट ऑफ होना है ठीक है ना, तो ये जैसी वोल्टेज 250 आएगा या 19 वोल्ट आएगा कंट्रोलर को मालूम चलेगा, वो ड्रॉप करके रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप करके, पकड़ लीजिए अभी 18 वोल्ट आता है रेजिस्टेंस में ड्रॉप करके 2 वोल्ट जाता है कंट्रोलर को, अगर 19 वोल्ट आएगा तो 2.5 वोल्ट जाएगा ड्रॉप में, तो 2.5 वोल्ट मिल गया कंट्रोलर को, कंट्रोलिंग करके रखा ऐसा सॉफ्टवेयर की मदद से कि 2.5 वोल्ट आएगा तो उसको कट कर देना हाई वोल्टेज लिख के ठीक है ना, तो कट कर देगा हाई वोल्टेज लिख के। आउटपुट का भी सेम है ठीक है ना, आउटपुट का वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा तब यू कट कर देगा, ऐसे ही सेम प्रोसेस है ठीक है ना, तो ऐसे ही होता है। ये डिस्प्ले के लिए है ठीक है, ये 7 सेकेंड्स डिस्प्ले है जो हमको क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं ठीक है ना, देख लीजिए क्रिस्टल डिस्प्ले है ये ठीक है ना, तो अब देख लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, कोशिश करूँगा मैं उसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।